कभी जो
झूठ नहीं बोलूंगा। माँ, पिताजी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कहा डॉक्टर? तू जानता है ना, डॉक्टर बनने के लिए चीर फाड़ करनी पड़ती है, मांस काटना पड़ता है। ओह माँ, वैष्णो धर्म में तो मांस देखना भी पाप है। ना मुझे ना ऐसा ना हो सकता। पर माँ, पर भाई कुछ नहीं मोहन, तुम्हें भी अपने बड़े भाई की तरह वकालत ही पढ़नी होगी, समझे? जी पिताजी। तो ये आदेश थे मेरे माता पिता के। तो फिर तुमने क्या किया मोहन? क्या करता, माँ पिताजी की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं वकालत ही करूंगा और उसके लिए इंग्लैंड जाऊंगा। और जैसे ही सबको इस बारे में पता चला, गांव में पंचायत खड़ी हो गई। मोहनदास को कतई मंजूर नहीं था। इससे उन्हें जल्द ही छुटकारा मिल गया।
तब गुजरात से गए कुछ व्यापारियों ने उन्हें अच्छी तनख्वाह पर साउथ अफ्रीका अपना मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया और मोहन चल दिया साउथ अफ्रीका। Not move from here. Just turn out.
थे, लेकिन ट्रेन में हुई इसी घटना ने उनके महात्मा बनने का मार्ग खोल दिया। साउथ अफ्रीका में रहने वाले मेरे भारतीय भाइयों बहनों, साउथ अफ्रीकी सरकार ने भारतीय आबादी को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम और आप मिलकर यह मान कर सके कि हमें इस देश का बराबर नागरिक माना जाए। हमारी सामाजिक हैसियत का सबूत है यह पास, जो हमें हमेशा अपने साथ रखना होता है। परंतु ये बात यूरोपीय लोगों के लिए नहीं है। अफ्रीकी सरकार से अपना यह हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें भेदभाव को मिटाना होगा। हाँ, नहीं चाहते कि लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत भड़के, इसलिए आप सभी से इल्तिजा है कि हिंदू मुस्लिम सिख और सभी धर्मों के साथी समान रूप से एक साथ आए, ताकि इन ब्रिटिश हुक्मरानों को अकल आए और ये हमारे साथ इंसाफ करें। हम उनका विरोध केवल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तथा हिंसात्मक साधनों का उपयोग नहीं करेंगे। यही होगा हमारा सत्याग्रह। तो आइए अपने अपने पासिस जो हमें कमेटी की ओर से मिले हैं उन्हें जला दें।
करते थे। गांधी जी उन्हें रट रट कर पढ़ने से मना करते थे। वो उन्हें किस्से कहानियां सुनाते थे, बाहर घुमाने टहलाने लेकर जाया करते थे और अपनी बात सरल उदाहरणों द्वारा उनके सामने रखते थे। गांधी जी का यही मानना था कि मूल शिक्षा बच्चों की हमेशा अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखना जितनी अपनी मातृभाषा में सरल होता है उतना किसी और भाषा में नहीं होता। आश्रमों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कपड़े बनाना, जूते चप्पल सिलना, आश्रमों की साफ सफाई करना जैसे सारे काम बच्चे बापू से बड़े प्यार से सीखते थे। Thank you.
4 फरवरी 1916 आज हिंदुस्तान में बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है कि आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। मैं मदन मोहन मालवीय जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और आपसे बात करने का मौका दिया। मैं आप सभी के सामने अपने विचार बिना किसी झिझक के प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये घोर अपमान और शर्म की बात है कि आज शाम इस महान विद्यालय की छाया इस पवित्र शहर में और अपने ही लोगों को मुझे एक ऐसे भाषा में संबोधित करने को कहा गया कि जो मेरे लिए विदेशी है। मैं कांग्रेस के दिसंबर माह के अधिवेशनों में उपस्थित था, वो इसके मुकाबले कई बड़ी जनसभा थी, लेकिन आप यकीन करेंगे कि जब मैं कहूँ कि केवल वही भाषण लोगों के दिलों को छू कर गए कि जो हिंदुस्तानी में दिए गए हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने जो यह यूनिवर्सिटी स्थापित की है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आने वाले नौजवान अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे यह यूनिवर्सिटी सुनिश्चित करते हैं। क्या कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर यह बात देखता हो कि अंग्रेजी का भी हमारी राष्ट्रभाषा बन पाएगी? हमारे देश पर यह विकलांगता क्यों थोपी जाए? मोहनदास समझ गए थे कि लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ होनी चाहिए जो लोगों को भाषा और चमड़ी के रंग के आधार पर तौलती है। भाषा और रंग भेद की तरह ही आदमी औरत का भेद भी था। मोहनदास को यह लगने लगा था कि सरकार की ताकत का सामना करने के लिए आंदोलन को सिर्फ पुरुषों नहीं महिलाओं की भी जरूरत थी। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया
और इन गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर महिलाएं ही थी। जिस वक्त अमीर देशों में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, उस समय हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए थे और ये सब सत्याग्रह और अहिंसा की वजह से हो सका। अगर आजादी के आंदोलन में भारतीय महिलाएं शामिल नहीं होती तो हमारा देश गुलाम ही रहता। सरकारी कार्यक्रमों की छवि मेरे चश्मे से ही साफ हो।
लोग मेरे चश्मे से तरह तरह के काम लेते हैं, लेकिन उनको अपनी आंखों पे लगा देखते भर नहीं। मेरे चश्मे में एक सत्य और अहिंसा का प्रकाश है जो आपको वो दिखा सकता है कि जो देखने से सब डरते हैं। मेरा चश्मा आपको दिखा सकता है कि हमारा अर्थतंत्र दूसरों को गरीब करके और पर्यावरण को प्रदूषित करके ही चलता है। हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा तंत्र मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार से भर चुका है। गांधी जी की प्रासंगिक ये इन दिनों हमारे आयोजन और कार्यक्रम सबसे पसंदीदा विषय बन चुका है। हमारे यहाँ कई लोगों का सिर्फ एक ही काम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उनको कार्यक्रम अनेक करने के लेकिन उनके पास तैयार व्यक्ता और विषयों की हमेशा दरकार है। विषयों की मंडी में गांधी की प्रासंगिकता सदाबहार विषय है। ऐसा लगता है कि भारत के बाद मुझे इतनी बढ़िया तरीके से जानते हैं कि मेरे प्रभाव का, मेरे व्यक्तित्व का, मेरे विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं। उन्हें कोई विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं, ना अपने आप से कोई कठिन प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। अरे भाई, गांधी ही तो है। अरे भाई, किसी भी व्यक्ति की या उसके विचारों की प्रासंगिकता इससे पता चलती है कि उसका नाम लेने वाले उस आचरण में लेते हैं या नहीं। Ha 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 ha!
पर कूद गए और एक के ऊपर एक कूदने से 120 लोग दम घुटने के कारण मारे। न जाने कितने ही लोगों ने इस भगदड़ में अपनी जानें गंवाई। माना जाता है कि उस दिन करीब 1000 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। खेल कूद या फिल्मी जगत के कुछ सितारे थे। एक झोपड़ी में उनका घर था
में बापू का चित्र छपा हुआ है। लगभग 80 से ज्यादा देशों में बापू के चित्र वाले 250 से ज्यादा डाक टिकट जारी हुए हैं। हमारे हर शहर में उनकी नाम की सड़कें हैं। जगह जगह चौराहों पर भवनों के भीतर उनकी प्रतिमा और फोटो लगी रहती है। इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिस पर इतना लिखा जाता जितना महात्मा गांधी जी का लिखा जाता है। ये वही मोहन है जिसकी माँ उसे मोनिया कहकर बुलाती है। हमारे और तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा, थोड़ा सा डरपोक, थोड़ा सा हिम्मत वाला, लेकिन हमेशा हेमंत देवलेकर जी ने लिखी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। और नाटक के सारे ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी सारी डिजाइन की है श्वेता केतकर ने। मैं श्वेता केतकर से अब मैं चाहूंगा विहान ग्रुप जो है यहाँ भोपाल का पूरा ग्रुप ऑफ स्टेज से बहुत सारे काम सारा ऑर्गेनाइज करना, वो पूरे वर्कशॉप के साथ दौरान हमारे साथ है, वो सारे लोग आ जाएं, विहान के सारे लोग आ जाएं। अब मैं इंट्रोडक्शन चाहूँगा। सौरव आनंद जी, श्वेता केतकर, हेमंत देवलेकर जी, और सारे लोग अपना अपना परिचय देंगे। आप सभी को मेरा नमन, मैं दीपेश कुमार। और आप जितने भी कलाकार हैं, आप में भरपूर कला नजर आई, कहीं पर कोई भी त्रुटि नजर नहीं आई, और इतना आनंद, आनंद एक शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि विशेष करके जब आपने पूरा का पूरा गांधी जी का दर्शाया, मोहन से महात्मा, और उसके बाद आज का, ये हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आपने वहां तक सोचा और सब दिखाया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन। आई विश यू ऑल अ वेरी ग्रेट, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, एंड आई एम श्योर यू विल गो वेरी फार, स्पेशली इन योर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच। Still, it's amazing to see the performance, and the credit goes to the director and the company who have done it. But it's conceived very well, because to give performance a life and to synchronize it is very difficult. And you have done a wonderful job. I don't know from where I have to start. Let me start with the students. I don't know, it is how to express, I don't know. I'm of course impressed, but it was a unique experience for me personally.
And yeah, the madam has already said that all of you are very talented. But I believe that each child is a talent. And it is because the principal was so much involved, he actually informed the same thing to me 3 times. That our students did rehearsal for 10 days. We have got the support of the Bihan group, and they have instructed them. And we are going to see a performance. We have seen it, we have enjoyed it, and you are great. And finally, I would say certain lines, again colonial lines, I think that will appeal you. I came, I saw, you conquered. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर बराल, थैंक यू मैडम प्रोफेसर रेणु नंदा। मेरा सभी बच्चे, आप इतना अच्छा किया, मैं भी लास्ट टाइम देखा था, आप धीरे धीरे और आगे भी बढ़ रहे हैं और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप ये वैल्यू को भी थोड़ा याद रखें तो जब इसका 10-10% आज के दिन में आप रखेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। मैं तो ये दिन देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कभी सुबह उठ के, जैसे गुजरात विद्यापीठ में मैं ये वार्ता लेके आया था, सुबह उठ के हमारा बच्चे झाड़ू लगाएंगे और टॉयलेट साफ नहीं है मुझे कंप्लेन नहीं करेंगे, वो अपना टॉयलेट आप सब साफ करेंगे। मैं 1.5 साल रहा, मेरा पूरे 1.5 साल रहा है, 1.5 साल में मैं देखूँगा कि हमारे बच्चे अपना टॉयलेट साफ करेंगे, अपना रास्ता अपना साफ करेंगे, ये मैं दिन देख के जाऊँगा। इधर मेरा ये कोऑर्डिनेटर विजवान जी, आपको बहुत धन्यवाद। वो 10 रात 11 बजे तक आप कर रहे थे, मैं सब हमारा गेस्ट को भी बताया था आप कितना परिश्रम किया है, और बिहान ग्रुप अभी हमारा मेरे रहते रहते प्रहार साहब 4 बार ये किए, डिफरेंट तत्व जानकारी किए थे और बहुत सारे किए थे। आप सभी को धन्यवाद है। मेरा जो भुवनेश्वर से जो स्टूडेंट्स आए हैं, ये वार्ता आप RI भुवनेश्वर में दे दीजिए। हम भी डायरेक्टर भी बोले हैं ऐसे थिएटर पेडागोजी भी सब RI में होना चाहिए। ये कोई RI से इस बार ये प्रस्ताव नहीं आया है, मैं डायरेक्टर को बोलूँगा कि सबको ये कंपलसरी करें। और सभी हमारे जितने हमारे गेस्ट्स हैं, इन्वाइटीज हैं, जब जितने डेलीगेट्स हैं और हमारे जितना स्टूडेंट्स आज आए हैं, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत धैर्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ इसको एंजॉय किए। थैंक यू वेरी मच। दो तीन अनाउंसमेंट हैं बस 2 मिनट के। एक तो इसके बाद हम लोग डिनर के लिए चलेंगे सारे लोग। दूसरा इम्पोर्टेंट है, जो सारे डेलीगेट्स हैं, सारे लोग मतलब जो सेमिनार के लोग हैं, हमारे एक आर्टिस्ट हैं वो सारे लोग, और कल सुबह 9:30 बजे इसी हॉल में पैनल डिस्कशन है, तो उसमें सारे लोग आएंगे। और एक फोटो, हाँ एक फॉर्मल बस वोट ऑफ थैंक्स करना है मुझे। आप सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से आए हैं तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। दिन भर थके हुए थे, पूरे सेमिनार में थे, फिर भी यहाँ अभी तक रहे हैं, उसके लिए मैं NCERT डायरेक्टर से को भी धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये पहली बार जब वो यहाँ के प्रिंसिपल थे तब हुआ था, उसके बाद फिर ये परंपरा बन गई है और इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसलिए साथ में प्रिंसिपल सर, बीच में जो भी रुकावटें आती थी, इस बार एक हिस्ट्री मुझे लगता है शायद RI हिस्ट्री में हुई कि 11 बजे के बाद तक सारे स्टूडेंट्स ने काम किया है। जो मुझे लगता पहले तो मैं जो देखता था कि सूरज डूबने के बाद कभी स्टूडेंट्स
बाहर नहीं निकलते थे, और लेकिन जब पॉजिटिव सारी चीज़ें हों तो ना कोई बाधा है, और प्रिंसिपल सर तो हमारे हमेशा के जो है कोई बाधा आने नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर। बीएससी बीएड के सारे स्टूडेंट्स सबका बहुत सहयोग मिला, सब बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ हैं वो भी, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब बस लास्ट सारे लोगों को धन्यवाद।